तरीके से उस सेटिंग से करते हैं। कुछ चीज़ें मैं आपको इलेक्ट्रिक के काम की मेन चीज़ें आपको मैं बता दूं। देखिए ये यहाँ पे जो है यहाँ से ये मेन आएंगे डायरेक्ट यहाँ से उधर पैनल पे लेके जाके उतारिए जहाँ पैनल देना है। अक्सर इलेक्ट्रिक वाले जो है इस लाइन को यूज़ करते ही नहीं है। इन छोटी लाइनों से जो है इलेक्ट्रिक की लाइनों से जो है मेन आगे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और बाद में फिर जो ना परेशान रहते हैं। दूसरा, और कुछ लोग ये पाइप यूज़ करते भी हैं डायरेक्ट मेन वाला, तो यहाँ जो है वो पौने का जो है पाइप जो ये इस लाइटों की और फैन बुक्स की फिटिंग में आपको नज़र आ रहा लगे हुए, ये पौने का पाइप यूज़ कर लेते हैं कि यार छोटे घर हैं 80 गज के, 120 गज के, 200 गज के, इसमें क्या ज़रूरत है बड़ा 1 इंची का पाइप डालने की। तो वो बाद में फिर परेशान रहते हैं, पाइप वगैरह बंद हो जाते हैं या तारें ज़्यादा होती हैं क्योंकि एसी वगैरह की भी वायर उसमें से जाती है और मैंने सारी जाती हैं, फिर बाद में परेशानी होती है ये। तो फिर वो अलग से पाइप डालते हैं फर्श में वगैरह में या फिर जो है ओपन वायर लेके जाना पड़ता है। तो आप लोग जब भी अपने घर का काम करवाएं इलेक्ट्रिक का, छत का जो है, तो पाइप सबसे नंबर वन पाइप आप अच्छी क्वालिटी का पाइप यूज़ करें, बेहतरीन से बेहतरीन पाइप आप यूज़ करें ताकि छत भराई के टाइम पे कोई भी जो पाइप है छत का वो डैमेज वगैरह हो नहीं, और अगर हो तो हल्का फुल्का थोड़ा लोड ले वो और पाइप बंद ना हो ब्रेक होके। दूसरा जो है इलेक्ट्रिक के काम में मैंने जो है आप 1 इंच की मैंने डाली, आप देखें ये एक पोर्शन ये अलग, हम लोगों ने ये पोर्शन अलग है और उस तरफ ये पोर्शन अलग है, सीढ़ी पे यहाँ से एंट्रेंस है हमारी, तो वहाँ से देखें ये जो मेन एक आ रही है अलग से डायरेक्ट मेन, वो उस पैनल से डायरेक्ट हम लोगों ने यहाँ मेन ये पहुँचाई है ताकि जो है वायर आपस में मिक्सअप नहीं हो और सुकून से अलग पोर्शन की अलग वायरें मेन जो है इस एरिया में हमारी पहुँच जाए। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।